नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन एम्प्लॉय लीव अप्लाई सिस्टम जो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें पार्ट टेन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिएट एडमिन पैनल। जब हमने प्रीवियस वीडियो में जो यूज़र पैनल के सारे जो मॉड्यूल और जो फीचर्स थे उसको कम्प्लीट कर लिए, तो आज हम उनका जो एडमिन पैनल है, जो एडमिन डैशबोर्ड है, उसको कम्प्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। को कंप्लीट करने के लिए हमें सबसे पहले एक एडमिन का फोल्डर बनाना होगा, इसलिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो यूज़र वाला जो पूरा फोल्डर दिख रहा है जिसमें यूज़र के रिलेटेड जो वेब फॉर्म एंड जो मास्टर पेज है वो अवेलेबल है। अब दोस्तों हमें एक यहाँ पे नया जो फोल्डर है उसको क्रिएट कर लेना है, तो हमें यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आ जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो एड वाला ऑप्शन है वहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर्स पे आना है। जैसे यहाँ पे फोल्डर कंप्लीट हो तो फोल्डर को आपको नेम देना पड़ेगा, तो उसको हम जो रीनेम कर देते हैं यहाँ पे एडमिन। आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपने हिसाब से। हम यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड है तो उस फोल्डर का नाम हम एडमिन देते हैं। उसके बाद दोस्तों एडमिन फोल्डर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसमें हमें एक जो मास्टर पेज है उसको ऐड करना पड़ेगा जिसमें एडमिन का मास्टर पेज रहेगा। तो एडमिन फोल्डर पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन से वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू आइटम्स पे, एंड यहाँ पे जो न्यू आइटम्स पे यहाँ पे जो जनरल वाला या तो वेब वाला है उस पर आ जाना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे जो वेब फॉर्म मास्टर पेज का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइट वन नेम रहेगा तो उसको रीनेम कर देना है। यहाँ पे जो साइट वन है उसकी जगह पे एडमिन मास्टर या तो एडमिन डैशबोर्ड, दोनों में से कोई भी आप नेम रख सकते हैं, नेम कोई भी रख सकते हैं दोस्तों मास्टर पेज का। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एडमिन का जो मास्टर पेज है वो ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही आपको ऐड कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद बॉडी पार्ट है, उसमें एक फॉर्म है, उसके बाद एक जो डिवीजन टैग और जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वहाँ तक आपको कम्प्लीटली जो कोडिंग है वो मिल जाएगी। यहाँ पे जो ऐड वाला जो कंटेंट पेज है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर देना, यहाँ पर टाइटल पर आपको एडमिन डैशबोर्ड नेम दे देना है, एडमिन डैशबोर्ड, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट प्लेस होल्डर है वहाँ पे एक हम डिव ले लेते हैं अलग से, एक डिव के अंदर ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर को रख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें यहाँ पे जो एडमिन का जो एडर एंड जो फुटर है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जो HTML, CSS एंड वो सब जो फाइल है उसकी आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जो नोटपैड फाइल डिजाइनिंग की कंप्लीट बना ली है ताकि ज़्यादा टाइम ना लग सके। दोस्तों ये जो पूरी फाइल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी जितनी भी जो मेटा टैग है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, पूरी कंप्लीटली मेटा टैग को कॉपी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो एड सेक्शन का टाइटल है बिल्कुल ही उसके जो नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऐड सेक्शन के जितनी भी जो लिंक टैग है वो यहाँ पे हमने ऐड कर लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडर एंड फुटर दोनों को ही हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो नोटपैड फाइल से वहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से जो पूरा जो एडर सेक्शन है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे एडर सेक्शन को कॉपी कर लेना है। उसके बाद जो बिल्कुल जो कंटेंट प्लेस होल्डर है बिल्कुल ही उसके जो टॉप के साइड ऊपर की साइड यहाँ पे उसको सेट कर देना। हेडर को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। दोस्तों हमने ऑलरेडी जो हेडर का एंड जो फुटर का है कोड बना रखा है, जो डिजाइनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अलग से मैंने बना रखा है। उसके बाद दोस्तों उसके मेनू भी मैंने सेट कर दिए एंड यहाँ पे फुटर वाला कोड है उसको बिल्कुल कंटेंट प्लेस होल्डर है उसके नीचे यहाँ पे रखना है। नोटपैड फाइल्स पे आ जाना है एंड पूरा जो फुटर का जो कोड है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो फुटर का कोड है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो बिल्कुल ही जो कंटेंट प्लेस होल्डर के बॉटम साइड उसको रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो सेट कर दिया फुटर का, तो एडर एंड फुटर दोनों ही ऐड हो चुके। अब दोस्तों जितनी भी जो रेफरेंसेस फाइल है, CSS फाइल्स है, उसके अलावा जो
इमेजेस है, तो वो हमें यहाँ पे जो एडमिन फोल्डर में सेट करनी होगी। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यूज़र वाले फोल्डर्स पे आ जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी सीएसएस फाइल अवेलेबल है, सीएसएस है, फॉन्ट्स है, इमेजेस एंड जो जावास्क्रिप्ट के फाइल, उसको कॉपी कर लेना है यहाँ से एंड हमारा जो एडमिन फोल्डर है वहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे पूरी जो फॉन्ट्स की फाइल, इमेजेस की फाइल एंड जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो एडमिन पैनल है उसकी एक जो होम पेज है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाना है जो एडमिन मास्टर पेज पे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना होगा एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कंटेंट पेज का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आ जाना है ऐड कंटेंट पेज। यहाँ पर देखिए एक जो कंटेंट पेज है उसको ऐड हमने कर लिया, उसको रिन्यू कर लेना है यहाँ पे। वेब फॉर्म वन बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा तो उसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करके हम यहाँ पे होम सेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टाइटल है तो टाइटल भी हम यहाँ पे होम सेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो टैग्स है एडमिन डैशबोर्ड के उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर टैग ले लेते हैं, सेंटर टैग को स्टाइल दे देते हैं स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ओके दोस्तों, यहाँ पे सेंटर टैग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे हम, BR का। और यहाँ पे कुछ जो H1 टैग में टैग्स है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे H1 का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे वेलकम टू आवर एडमिन डैशबोर्ड। ओके दोस्तों, उसके बाद उसके बिल्कुल ही नीचे की साइड भी थोड़ी बहुत जो BR टैग ले लेते हैं ब्रेक टैग को, ताकि जो लेआउट है वो अच्छा शो हो। ओके, उसके बाद दोस्तों सेव वाले बटन है उस पर प्रेस कर देना है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो home.xpx है उसको एक बार मास्टर पेज के कोड के साथ मैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो होम वाला रहा यहाँ पे होम मेनू, तो उसकी भी रेफरेंस फाइल सेम ही है। दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट पेज का जो भी नेम रहेगा वो और दोनों यहाँ पे जो रेफरेंस हमने दिया है वो दोनों ही सेम रहना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एरर जनरेट हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एडमिन का home.xpx है उस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेट स्टार्ट पेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक बार सेव कर लेना है एंड यहाँ पे रन वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा एडमिन का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने शो हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे URL पे एक बार देखें तो यहाँ पे देखें जो लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मेन फोल्डर एडमिन का रहेगा एंड home.xpx। दोस्तों यूज़र में भी home.xpx रहेगा एंड जो एडमिन साइड में भी बाई डिफॉल्ट जो home.xpx है वही जो डिफॉल्ट रन रहेगा। उसके बाद फुटर साइड देखें तो वो भी बिल्कुल तकरीबन सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मेनूज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एडमिन के पास एक होम नाम का मेनू रहेगा, उसके बाद जो सेकंड है वो एम्प्लॉय नाम का मेनूज रहेगा, उसके बाद जो थर्ड वन है वो लीव डेटा, जहाँ पे जितनी भी जो एम्प्लॉयज़ की लीव अवेलेबल है तो वो सारे जो लीव मैनेजमेंट है पूरा जो एडमिन के पास रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में देखें तो जितने भी एम्प्लॉय के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, नए हो या तो ओल्ड हो, जितने भी जो एम्प्लॉयज़ के रजिस्टर है तो उसका सारा जो डेटा है जो पूरा एम्प्लॉय का मैनेजमेंट है वो भी एडमिन डैशबोर्ड के पास रहेगा। उसके बाद थर्ड वन है वो है फीडबैक का है, तो फीडबैक में क्या रहेगा कि जो भी जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी स्टाफ है, जिसने जो भी रिव्यूज़ देने हैं, जो भी फीडबैक्स देने हैं या तो कोई भी क्वेश्चन हो, तो सारे जो फीडबैक के रिलेटेड जो पूरी जो पैनल रहेगी उसका भी पूरा जो है वो एडमिन के पास ही राइट्स रहेंगे। उसके बाद रहेगा लॉगआउट का रहेगा, जैसे ही लॉगआउट वाले सेक्शन पर क्लिक करेगा एडमिन तो वो डायरेक्टली जो मेन जो पेज है हमारा यूज़र वाला वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय के बारे में, जिसमें एम्प्लॉय के रिलेटेड जो डेटा है, जो ग्रिड व्यू है, रिपोर्ट्स है, तो सारे यहाँ पर कैसे जनरेट करने उनके बारे में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।